नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाती हूँ। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। यहाँ पर मैंने जो गाजर को अच्छे से छील लिया है, उसके बाद मैंने इसे छोटे ग्रेटर से, बिल्कुल स्मॉल साइज के ग्रेटर से मैंने इसको घिस लिया है। उसके बाद अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूंगी। पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी ऐड किया है, बहुत लो फ्लेम करके रखना है आपको, क्योंकि नहीं तो ये जो घी है वो जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को लो रख के उसके बाद आपको कढ़ाई में घी देना है। मैंने बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं किया है, अगर आपको और ज़्यादा घी पसंद है तो आप और भी दे सकते हो, उससे स्वाद जो है वो और अच्छा आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कम यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर करीबन 3 से 4 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसमें 3 इलायची दिए हैं फ्लेवर के लिए। 3 इलायची जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा ये थोड़ा सा भुन जाए, बिल्कुल हल्का सा, उसके बाद जो हमने गाजर को ग्रेट करके रखा है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने गाजर को हमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमें अच्छे से इसे फ्राई करना होगा, गाजर को बहुत अच्छे से चलाना होगा। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई मत कीजिएगा, ये एकदम ही फ्राई नहीं करना है, लेकिन इसका जो गाजर का जो पानी निकलेगा उसे हमें एकदम सुखा लेना है, एकदम ड्राई कर लेना है। ये तो गाजर का हलवा प्रेशर कुकर में भी बन जाता है और बहुत जल्दी फटाफट बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कढ़ाई में हम जो टाइम लेके ये जो गाजर का हलवा बनाते हैं, इससे जो है वो स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाना इसको पसंद करती हूँ। तो अब मैं मुझे अच्छे से इसे बहुत अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। वैसे ये हलवा बनाने में करीबन 1 घंटा टाइम तो समय लग ही जाता है, और इसको कंटिन्यू बनाना चलाना होता है, जिससे कि ये गाजर का हलवा जो है नीचे कढ़ाई में लग ना जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मिल्क मेड का यहाँ पर यूज़ किया है। अब मैं इसमें मिल्क मेड ऐड करूँगी, इससे जो है वो स्वाद जो है वो और भी अच्छा आता है, क्योंकि हम गाजर के हलवे में कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करते हैं, इसलिए हमें मिल्क मेड यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे कि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा और भी टेस्ट आ जाए। तो मैंने यहाँ पर खूब सारा मिल्क मेड यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर करीबन 1/2 कप से भी थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर मिल्क मेड ऐड किया है। अब मिल्क मेड देने के बाद इसे हम थोड़ा अच्छे से हम इसे चला लेंगे। ये देखिए मैंने और भी मिल्क मेड इसमें ऐड किया है। एक बार में पूरा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके हमको देना है और उसको थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर हमको मिल्क मेड इसमें ऐड करना है और फिर हमें थोड़ा सा चलाना है, और इसे करते समय फ्लेम जो है वो थोड़ा लो कर दीजिएगा। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से चलाना है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप शुगर ऐड किया है। एक बार में शुगर जो है वो आप यहाँ पर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मिल्क मेड जो है वो उसमें खुद का एक मिठास होता है, तो चीनी एक बार में आप ऐड मत कीजिएगा। पहले आप चख के देखिएगा कि और कितनी ज़रूरत है, उसके बाद ही आप पूरा ऐड कीजिएगा। और इसमें एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा एकदम एक पिंच सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिएगा। करके हमें अब अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेना और थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए गाजर जो है एकदम अच्छे से ये गल चुका है और कितनी अच्छी थिकनेस इसकी आई है। इसके बाद ये जब इस तरीके से, ये देखिए गाजर जो है इस तरीके से हम फ्राई करते करते ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से एकदम थिक हो जाएगा, जब उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर जो दूध है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं किए हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, गाजर के हलवे में वैसे कोई ड्राई फ्रूट्स देता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें काजू दे सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि गाजर का हलवा जो है वो इसी तरीके से बना के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर थोड़ा ना दूध डालते समय थोड़ा दूध गिर गया था, इसलिए
जो है प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिर मैंने उसमें 1 लीटर जो है दूध मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद यूज़ करने के बाद मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये जो है ये बिल्कुल लो फ्लेम में कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। ये दूध डालने के बाद जो गाजर के साथ जब मैं इसे मिक्स करूँगी तो ये बहुत जल्दी जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो आपको अगर ठीक बहुत ठीक पसंद है गाजर की हलवा तो आप उस तरीके से, आपको जैसे पसंद है, आपको थोड़ा पतला पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा ठीक पसंद है तो वो भी आप उसमें रख सकते हो, लेकिन मुझे ठीक पसंद है तो मैं यहाँ पर आपको उसी तरीके से बना के दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ये गाजर का हलवा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। ये देखिए गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैंने गाजर के हलवे के ऊपर थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज बस मैं अपनी ये वीडियो यहीं तक लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।